Can you please say thank you for watching? Say thank you for watching and please subscribe. Hi everyone and welcome back to my channel and welcome back to a yet another video. आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ अपने बेटे के वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ. अगर आप लोग इस तरीके के वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो यू शुड डेफिनेटली कैरी ऑन. एंड रिसेंटली मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ आउटफिट्स परचेज किए थे क्योंकि यू नो इट्स लाइक डाइविंग इन टू विंटर्स. सो आई डिसाइडेड कुछ फुल स्लीव्स आउटफिट्स, कुछ यू नो कॉलर वाले जो आउटफिट्स होते हैं, हाई नेक आउटफिट्स, वैसे कपड़े उसके लिए परचेज करने चाहिए. तो मैंने वो भी परचेज किए थे. आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मुझे ट्राई ऑन हॉल करना चाहिए हमेशा विवान के ऊपर, इट विल लुक सुपर क्यूट. तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं वो ट्राई ऑन हॉल भी इनकॉर्पोरेट करूंगी, जिसमें मैं उसकी क्लिपिंग्स के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने उसके लिए कौन से कपड़े खरीदे हैं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ऑल्सो आई नो मेरे गिव अवे के विनर्स जो हैं वो काफी दिनों से पेंडिंग हैं. दो गिव अवेज थे जिनके विनर्स मुझे अनाउंस करने थे, तो दोनों विनर्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट इफ यू आर वन ऑफ दोज जिन्होंने मेरे गिव अवेज में पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट गिव अवे जो है वो बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगी एंड इट्स गोना बी ह्यूज. सो जस्ट वेट फॉर दैट एज वेल. And without wasting any time further, let's just straight away jump into the video and see how the end result of my son's wardrobe will turn out. So let's just start tackling this extremely messy project. आप देख सकते हैं टॉप पे तो खैर ठीक है, हैंगर्स में जो कपड़े हैंगे वो तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, बट जो बॉटम में कपड़े थे, गॉड इट वॉज डिफिकल्ट फाइंडिंग एनीथिंग एट ऑल. सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी होती है तो सबसे पहले मैं उसे पूरी तरीके से खाली कर देती हूँ. वार्डरोब है, ड्रॉअर है, डस्ट है, कुछ भी है. व्हाट आई हैव डन इज सारे के सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, बाहर बेड पे रख लिए हैं एंड बोथ ऑफ माई किड्स आर प्लेइंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मुझे एक डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है. और सबसे पहले तो मैं इन कपड़ों को दो पाइल्स में डिवाइड कर रही हूँ. एक वो जो कपड़े छोटे हो चुके हैं या फिर जो कपड़े इतने बड़े हैं कि वो पहन नहीं सकता, और इसके बाद में अब मैं जो पहन सकता है उन कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. एट द मोमेंट आप देख सकते हैं जो पीछे वाला पाइल है, जो मेरे पीछे पाइल रखा हुआ है, वो बेसिकली किसी यूज़ का नहीं है क्योंकि एक कुर्ता पजामा जो है वो बहुत ही बड़ा है उसके, और बाकी के कपड़े उसके इतने ज़्यादा छोटे हो चुके हैं कि अब कोई सीन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये कपड़े वो यूज़ ही नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इन लोगों को खिलाती भी जा रही हूँ और साथ ही साथ में मैं सभी कपड़ों को फोल्ड करती जा रही हूँ, ऑर्गेनाइज करती जा रही हूँ. दिस इज़ हाउ आई लव टू फोल्ड द टॉवल जिसमें हेड होता है. Like we bring you back to the 70s. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. To organize his those clothes जिन्हें मैं occasional basis पर पहनाती हूँ, like those expensive clothes जो वो regular basis पर नहीं पहन रहा होता. बाकी पिजामिया मैं एक साइड कर रही हूँ, नाइट सूट्स मैं एक साइड कर रही हूँ, उसके फुल लेंथ क्लोथ्स जो मैंने परचेज किए हैं उन्हें मैं एक साइड कर रही हूँ एट द मोमेंट. एज यू गाइस कैन सी since I had a change, always a watch out, lighter to the gasoline, oh, couldn't hold me, now I'm living better days,
hot chick in a black Corvette. Like she drove front hat of a magazine. And oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always got in me. ये मल्टी क्लिप हैंगर्स जो होते हैं ये काफ़ी मतलब मल्टी फंक्शनल भी होते हैं. आई मीन एक हैंगर है जो वो बहुत बड़े साइज़ का है मेरे पास में, जैसे मैं लोगों के डायपर्स वगैरह सुखाने के लिए यूज़ करती हूँ. और एक ये थोड़ा छोटा है, ये 8 क्लिप्स का हैंगर है. तो इसमें मैं यूजुअली इसके रेगुलर वेयर के 8 सेट्स जो हैं वो बना के हैंग कर देती हूँ. तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे सोचना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है चीज़ों को. ठीक है, मुझे मालूम है कि एक नेकर एक टी शर्ट आसपास रखी हुई है. सो ये देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, मुझे वापस इन्हें बस प्लेस कर देना है. तो मैंने पहले मल्टी क्लिप हैंगर यूज़ किया, प्लेस कर दिया. उसके बाद में मैं इसके जो ओकेजनल वेयर वाले कपड़े हैं उन्हें मैं लगा रही हूँ. थोड़े बहुत मैंने इसके विंटर वेयर आउटफिट्स भी बाहर निकाल लिए हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं हम लोगों को बाहर जाना पड़े तो उसके पास में होनी चाहिए चीज़ें. इसके बाद में आप देखिए मैंने एक साइड पे इसके दोनों नाइट सूट्स लगा दिए हैं. इसके पास में 4 नाइट सूट हैं, 3 नाइट सूट्स वो लगे हुए हैं और एक जो है वो दिल्ली में पड़ा हुआ है. इसके अलावा ये इसके फुल नेक टी शर्ट्स हैं, पीछे उसकी मैंने पजामियाँ रख दी हैं. टॉवल मैं इसके नीचे रखे दे रही हूँ, हैंड टॉवल वगैरह सब नीचे रहेगी. और इनका पैंडा सूट जो है वो भी नीचे है. और ठीक सामने मैं इनके सारे डायपर्स लगाऊंगी. तो इसी के साथ में इनकी वार्डरोब जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, विच मेक्स मी फील सो सैटिस्फाइड एट द मोमेंट दैट आई कांट टेल. सो मैंने अभी सारे उसके विंटर वेयर्स बाहर नहीं निकाले हैं, आई ओनली हैव दीज टू आउटफिट्स ओवर हियर. सो द सिस्टम गोज लाइक दिस. इसके बाहर के पहनने के जो आउटफिट्स हैं वो ये हैं, और ये हैं जिनको मैं दिन में पहना सकती हूँ. दैट मीन्स इसके नेकर टी शर्ट सब मैंने कॉम्बिनेशन से टांगे हैं यहाँ पे. जैसे कि ये एक पूरा सेट है, टर्निंग इट अराउंड ये एक पूरा सेट है. हाँ गुड्डा, देन ये पूरा सेट है और पीछे वो ब्लू वाला पूरा सेट है. सो ये इनके दिन में पहनने वाले कपड़े हैं. एंड थोड़ी और विंटर्स बढ़ जाएंगी तो इस ये मैंने इनके लिए टी शर्ट्स और पजामीज वगैरह ख़रीदे हैं. और वो जो अभी नॉर्मल कभी कभी बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लो हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये पजामीज और टी शर्ट्स रखे हुए हैं इनके. और यहाँ पे ये इनकी कैप और सॉक्स हैं. इनके कैप्स और सॉक्स जो हैं वो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, प्लस इनके अंदर भी रखे हुए हैं, मुझे निकालने हैं बाहर. यस ऑफ कोर्स, हाँ ये इनके नाइट सूट्स हैं. देन यहाँ पे इनके सारे डायपर्स रहने वाले हैं, अभी फ़िलहाल 2 रखे हुए हैं, सब धुले हुए हैं, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल. पीछे ये इनका क्यूट पैंडा वाला आउटफिट रखा हुआ है बिकॉज आई लव इट. और वो उनकी टॉवल एंड उसके नीचे हैंग की है. सो दैट्स हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस सेक्शन राइट ओवर हियर. और जो नीचे वाला सेक्शन था इसे मैं बहुत ज़्यादा मैसअप नहीं रखना चाह रही हूँ. सो इसमें इनके अभी मामी पोको पैंट्स रखे हुए हैं और इसमें इनकी डायपरिंग का ही सारा सामान होगा. तो बेसिकली जब इनके वाइप्स आ जाएंगे, ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो वाइप्स भी यहीं पे मैं रख दूंगी उठा करके. सो इनका डायपरिंग वाला जो पूरा सेक्शन है वो यहाँ पे मैं मेनटेन कर दूंगी. और ये वाला जो सेक्शन है इसमें इनका पूरा स्किन केयर मेंटेन होगा. सो वेल हेयर यू ऑल कैन सी बोथ ऑफ देम आर वेयरिंग न्यू क्लोथ्स. तो मैं एक एक करके आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट गुड्डा फर्स्ट, क्योंकि उसने पिंक एंड ब्लू का टॉप पहन रखा है, द येलो टॉप दैट शी इज़ वेयरिंग. इस टॉप की एक्चुअल MRP वॉज 799 rupees, बट दिस वन रिटेल्ड फॉर 499 rupees जिस समय से परचेज किया गया था. एंड टॉकिंग अबाउट विवान, ही इज़ वेयरिंग अ न्यू टी शर्ट एंड अ न्यू पजामा. सो टी शर्ट और पजामा दोनों ही पिंक एंड ब्लू ब्रांड से हैं, बिग बाजार से परचेज किए थे दो सारी चीज़ें हम लोगों ने. तो उसकी टी शर्ट की वैल्यू 499 है और पजामे की वैल्यू 399 है. यहाँ पे विवान ने जो नाइट सूट पहन रखा है, दिस इज़ अ रोम्पो, एक्चुअली डायनो शेप्ड रोम्पो है. एंड दिस वन रिटेल फॉर 899 rupees. आई नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस वन वॉज परचेज फ्रॉम मॉम एंड मी, और ये एक्चुअली मैंने नहीं परचेज किया था, इस रोम्पो को उसकी मासी ने परचेज किया था उसके लिए.
Talking about this clip over here, जो टी शर्ट विवान ने पहन रखी है, that one is also from pink and blue. सारी चीज़ें हम लोगों ने बिग बाजार से परचेज की हैं. This one retail for 399 rupees. I know it was a little bit expensive, but it's worth it. Full sleeves है, high neck है. जो पिजामा इसने पहन रखा है इस समय, it's from the same brand, बिग बाजार से ही है, from pink and blue. And this one retail for 499 rupees. It was a little bit expensive, but ये थोड़ा warm पिजामी है और काफ़ी comfortable है. I know it looks a little bit girlish sometimes, but I love dressing up him up in clothes जिनमें वो थोड़ा सा girlish लगता है. Talking about this clip of him over here, जो उसने टी शर्ट पहन रखी है येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स में, हाई नेक टी शर्ट है ये भी. दिस वन इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड पिंक एंड ब्लू फ्रॉम बिग बाजार और इसकी एम आर पी 499 थी. और जो पिजामी इसने ब्लू कलर की पहन रखी है, एक्चुअली इट्स स्किनी लेगिन जो इसने पहन रखी है, एंड इसकी एम आर पी वॉज 499 रुपीज़, बट 399 में मिली थी, 100 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिल गया था. Organizing my son's wardrobe with me. Please channel को subscribe कीजिएगा, मेरे video को like कीजिएगा और अगर किसी के लिए भी useful हो सके video, तो please इस video को share भी कीजिएगा. इसी के साथ मैं आप लोगों से कहती हूँ bye-bye और मैं आपसे मिलूंगी अपने बच्चों के साथ अपने next video में. तब तक के लिए just stay blessed and take very good care of yourself.